अब आठ साल पुरानी बिल्डिंग पे अगर आप अभी के समय में किसी को भेजिएगा पर्यटक को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग हो गई यहाँ पे और कुछ एक बार घटना भी हो गई थी कि कुछ स्कूली बच्चे एक बार गए थे बीच में अचानक लाइट कट गई थी तो भगदड़ हो गया था यहाँ पर बड़े भगदड़ वगैरह हो जाते हैं सब यहाँ पे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसको अंदर जाना क्या किया गया रोका गया और ठीक है ये आठ साल पुराना बिल्डिंग होता है जो उत्ता बड़का मीनार है दिल्ली नेपाल से सटले है जब भूकंप आता है तो दिल्ली दहला देता है दिल्ली के लोग ना भूकंप के लिए हैचुअल हो गए है भूकंप आया होगा चाय पी लेते पहले <laughs> मतलब ना वो नेपाल से इतना सट गया है ना अच्छा गवर्नमेंट भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट भी भूकंप के प्रति और फायर के प्रति काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो कराती है कि आपका बिल्डिंग भूकंप रोधी होना तो गिरा देगी यहाँ पर समझा गया कि नहीं गया अभी कुछ कुछ एक तो ट्विन टावर को गिरा दी सुप्रीम कोर्ट अभी एक और बिल्डिंग गिराने वाली है दस पंद्रह बिल्डिंग का पूरा अपार्टमेंटे है मुखर्जी नगर में आदेश दिया है वहाँ पे बहुत जल्दी आप लोग को न्यूज आएगा अभी हम नहीं बोल रहे हैं ना ना तो वहाँ पे नहीं नहीं अपार्टमेंट है रेजिडेंशियल है दस दस फ्लोर का है अब पूरी सोसाइटी है वो उसमें चार पाँच हजार फ्लैट है अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि मतलब बात के चलिए चली का पहले हल्ला कोला बिना ज़रूरत है हम बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि देखो जरले पर नमक छिड़क रहे हैं <laughs> तो हम जरले पर खाली नमक का पैकेट रख रहे हैं <laughs> हम बस ही बोल रहे हैं गिरने वाला है हम के रखेंगे तब ना लहरेगा लिए हम दिल्ली में एक वो जगह है यहाँ पे तो जरले पे नमक नहीं पाइकट रख दिए यहाँ पे कोई ना कोई तो फार करेगा उसको जाके यहाँ जब वो का लहरेगा यहाँ पे तो